आरिफ खान प्रधान प्रतिनिधि व सुरेंद्र प्रताप वर्मा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पटपरगंज विकास खंड जमुना जनपद श्रावस्ती की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त ईद उल अजहा रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खालिद खान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व मुकेश गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चौरी कोटिया विकास खंड जमुना जनपद श्रावस्ती की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त ईद उल अजहा रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भले ही बेहतर विकास के लाख दावे कर रही हो, लेकिन इन विकास के दावों की पोल खोलने में जरा सी बारिश में गाँव और कस्बों में भरा हुआ पानी ही काफी नजर आ रहा है, जहाँ आम लोगों के साथ साथ अधिकारी और कर्मचारी भी उसी कीचड़ युक्त पानी में चलने को मजबूर है। जी, हम बात करें यूपी के श्रावस्ती जिले के तहसील जमुनहा के बंजारनपुरवा में स्थित विद्युत उपकेंद्र और लिहावा की, जहां पर जरा सी बारिश ने सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोल दिए। इस विद्युत उपकेंद्र के परिसर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही बना कार्यालय भवन भी जर्जर होकर गिरने की कगार पर है। थोड़ी ही सी बारिश में छत टपकने लगती है, जिसमें कमरों में रखा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्षति पहुँच चुकी है। इसके कर्मचारी भी जान जोखिम में डालकर कीचड़युक्त पानी से गुजरते हुए जर्जर भवन में बैठकर विभागीय कार्य करते हैं, जिसकी सूचना मीडिया के माध्यम से कई मर्तबा प्रकाशित भी किया जा चुका है, फिर भी शासन और प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। समय रहते यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में बड़ी घटना सामने आ सकती है।